रोहतक पुलिस की अपराध जांच शाखा की पकड़ में आए दोनों पशु चोरों ने अहम खुलासा किया है। इन सदस्यों ने अपने साथियों से मिलकर कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान इन पशु चोरों ने खुलासा किया है कि वे दिन के समय गाँव में सब्जी बेचने का काम कर रेकी करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान शबीर व वकील के रूप में हुई है। अपराध शाखा 3 रोहतक ने हमारे इंचार्ज गोर्धन सिंह व उसकी टीम ने ये काफ़ी दिनों से हम इसकी तलाश में थे कि आए दिन रोहतक के एरिए से और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के कि भैंस चोरी, गाय चोरी और पशु चोरी हो रहे थे। तो इस संबंध में अपराध शाखा हमारे रोहतक की टीम ने, इंचार्ज गोर्धन सिंह ने एक बहुत अच्छी टीम गठित की और कल रात को एक कामयाबी हासिल मिली। इसमें हमने 2 आदमी को अरेस्ट किया, एक साबिर और एक वकील। ये दोनों राजस्थान अलवर के रहने वाले हैं और इनसे अभी रिकवरी हुई है। आज ये 2 दिन के पुलिस रिमांड पे हैं और ये हमारी अब तक 10 वारदातें हमारी मान चुके हैं, जो दिन में रेकी करते थे और रात के समय ये पिकअप डाला में जो भी पशु मिलता था उसको लाद के ले जाते थे और ये मंडी में या जैसे भी भाव मिलते थे उस भाव में बेच देते थे। अभी 3-4 रिकवरी हुई हैं, बाकी और रिकवरी होने की उम्मीद है। और पास वाले डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे सोनीपत, झज्जर, भिवानी, इन डिस्ट्रिक्टों में से भी इन्होंने बहुत सारी वारदातें कर रखी हैं। और ये टेम्परेरी एड्रेस में बादरगढ़ रहते थे, झोगियाँ डाल के वहाँ रहते थे। इनके साथी और भी हैं 3-4 जिनकी अभी तलाश जारी है। अच्छा, कहाँ लेके जाते थे इन पशुओं को? ज़्यादातर वारदात रोहतक में कहाँ कहाँ की इन्होंने? ये ज़्यादातर वारदात रोहतक में गाँव में जो रिमोट एरिया था उनमें करते थे। सांपला के एरिए में 4-5 वारदातें हैं, कलानौर के एरिया में वारदातें हैं। जो भी कोई बाहर जैसे पशु जमींदार लोग बांधते हैं तो उनका ये टारगेट बनाते थे, दिन में उसकी रेकी करते थे और रात को ये 4-5 बंदे थे अपनी पिकअप लेके आ जाते थे और ये उनको लोड करके और मंडी के अंदर ले जाते थे मोस्टली। नहीं, कहाँ कौन से एरिया में लेके जाते थे? ये मोस्टली जैसे यूपी के अंदर कोई मंडी लग गई या जैसे टपुकड़ा में मंडी लगती है, झिरका में मंडी लगती है, तो उनमें ये भेज देते थे इनको। अच्छा, वारदात में और कौन कौन इनके साथी, कितने जांच इनके में? 3-4 साथी और हैं जो जिनकी अभी तलाश जारी है और जल्दी हम उनको राउंड अप करेंगे और जितनी भी वारदातें हैं सबका हम खुलासा करेंगे। कम से कम इनके पास ये समझो जो ये बताते हैं कि वे हमारे तो इतनी वारदातें हैं कि हम बता भी नहीं सकते। चोरी के अलावा भी कोई इन्होंने कोई वारदात कोई अंजाम दिया है? अभी तो चोरी का ही इनके आई है, सिर्फ ये पशु चोरी करने का ही इनका सामने आया इनकी पूछताछ से, बाकी अभी पुलिस रिमांड पे हैं। बरामद क्या हुआ है सर इनसे? बरामद तो जैसे इन्होंने 3-4 जैसे भैंसों के बारे में बताया था, वो भैंस जहाँ जहाँ इन्होंने सेल किए हैं उनसे अभी बताया कि भाई हमारे पास भैंस है, तो वो भैंस की पेमेंट या भैंस हम रिकवर कर रहे हैं।